हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो का टॉपिक है महिला एवं बच्चों संबंधित कानून प्रावधान। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैं आप लोगों के लिए कम से कम 20-22 वीडियो अपलोड कर चुका हूं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। अगर आप मेरा वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए जिसमें छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2023 पर आप प्लेलिस्ट दबा के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपनी तैयारी को पुख्ता करते हैं और देखते हैं कि हम कितने तैयार हैं परीक्षा के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर उठता है, बाल श्रम निषेध नियमन अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी भी काम में लगाने से प्रतिबंधित किया गया है। आसान सा क्वेश्चन था, आपका भी आसान सा जवाब होगा सबका, वह है सी 14 वर्ष। बाल श्रम निषेध नियमन अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना किस प्रकार का अपराध माना जाएगा। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, संज्ञेय अपराध, गैर जमानती अपराध, आशमनी अपराध या उपयुक्त सभी। थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं यहां पर कौन सा अपराध, तो सही उत्तर जो इसका आएगा वो ए आएगा, संज्ञेय अपराध है। और थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूं तो संज्ञेय अपराध वह अपराध होता है जिसमें पुलिस अधिकारी को किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की इजाजत होती है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। दो प्रकार के अपराध होते हैं, एक जमानती और एक गैर जमानती। जमानती अपराध जो होते हैं जिसमें जमानत मिल जाता है, और गैर जमानती उस प्रकार के अपराध होते हैं जिसमें जमानत नहीं मिलता, तो इसको जमानती अपराध बनाया गया ना कि गैर जमानती। अशमनी अपराध और शमनी दो प्रकार के अपराध और होते हैं। अशमनी जिसको समन ना किया जा सके, किसी प्रकार जमानत अमानत देकर टाला ना जा सके, और एक होता है शमनी, तो इसको शमनी जिसमें जमानत देके आप उसको अपराध को टाला जा सकता है, जमानत देके छुटकारा मिल सकता है। तो इसको अपराध को जो है गैर जमानती नहीं जमानती और शमनी बनाया गया, लेकिन संज्ञेय अपराध कहा गया। तो फिर से मैं आपको समझा दूं तो बाल श्रम निषेध अधिनियम कैसा अपराध है, संज्ञेय अपराध, जमानती अपराध और शमनी अपराध है, ठीक है। इसमें संज्ञेय अपराध आएगा, गैर जमानती और अशमनी नहीं आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में प्रतिबंध लगाया गया है। 15, 3, 23, 24, 39। आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे, हमको मालूम है 24 आर्टिकल 24 में कहा गया है कि 14 साल से कम बच्चों को कारखानों में नियोजित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, बाल श्रम निषेध विनियम अधिनियम कब पारित हुआ था, 1916, 1986, 1996, 1988। सही आंसर भी आएगा 1986 में यह पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने उठता है, बाल श्रम निषेध नियमन अधिनियम 1986 में प्रथम संशोधन कब हुआ, 2010, 2011, 2016 या 2017 में। इसमें से आपको एक बताना है, सही आंसर सी आएगा, 2016 में हुआ। किसी बालक को किसी उपजीविका या प्रसंस्करण में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, बाल श्रम निषेध नियमन अधिनियम 1986 के किस धारा में कहा गया है, धारा 3, धारा 3 का, धारा 4 या धारा 4 का। सही आंसर ए आएगा, धारा 3 में कहा गया है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर उठता है, बाल श्रम निषेध नियमन अधिनियम 1986 के तहत यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाए तो उसे क्या सजा हो सकती है, न्यूनतम 6 माह, अधिकतम 2 वर्ष का कारावास, न्यूनतम 20,000 रुपए, अधिकतम 50,000 रुपए तक जुर्माना, 3 वर्ष का कारावास, 1,00,000 रुपए का जुर्माना, या ए और बी दोनों। सही आंसर ए और बी दोनों आएगा। 1986 के बाद जब ये 2016 में इसमें संशोधन हुआ तो 2016 के संशोधन के आधार पर अब इसके जो दंड को बढ़ा दिया गया, पहले 3 माह से 1 वर्ष था और पहले 10,000 से 20,000 था जुर्माना, इसको बढ़ाकर 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष किया गया, और न्यूनतम 20,000 और 50,000 रुपए किया गया, 2016 में इसको बढ़ाया गया है। क्वेश्चन है, विश्व बाल निषेध दिवस कब मनाया जाता है,
12 जून, 15 अप्रैल, 14 नवंबर या 16 मई, इसमें से एक आपका आंसर है। सही आंसर ए आएगा 12 जून को। बाल श्रम निषेध नियमन अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा को नियोजित किया जा सकता है। पारिवारिक उपक्रम जो किसी परिसंकट में ना हो, किसी विज्ञापन फिल्म में कलाकार के रूप में, ए एवं बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर सी आएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002 या 26 सितंबर 1994, इसमें से कोई आएगा। सही आंसर डी आएगा, 26 सितंबर 1994। कार्य स्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस कार्य को यौन उत्पीड़न नहीं कहा जा सकता? यौन संबंध बनाने की मांग या अनुरोध, यौन संबंधी टिप्पणी, अनुचित शारीरिक स्पर्श, ऑफिस के केबिन में बैठक। तो ऑफिस के केबिन में अगर बैठक हो रही है तो इसको नहीं कहा जा सकता, बाकी सब इसके दायरे में आएंगे। क्वेश्चन है, गर्भवती महिला कर्मचारी को कितने सप्ताह का वैधानिक मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार है? 6 सप्ताह, 10 सप्ताह, 12 सप्ताह या 16 सप्ताह? सही आंसर सी आएगा, 12 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम कब पारित किया गया था? ये आपको बताना है 2007, 2001, 1995 या 2013 को। सही आंसर डी आएगा, 2013 को। प्रथम बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 में खतरनाक व्यवसायों की संख्या कितनी थी जिसमें बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता था? 45, 55, 83 या 3? सही आंसर 83 जो थे, 83 संख्या थी जिस पर बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता था। लेकिन वर्तमान में 83 संख्या को हटाकर इनको 3 कैटेगरी बना दिया गया, जैसे कि बारूद संबंधित जितने कारखाने होते हैं, पेट्रोलियम संबंधित जितने कारखाने होते हैं, ये सब 3 कैटेगरी में सबको समाहित कर दिया गया और वर्तमान में संख्या 3 कर दी गई है। हालांकि 3 संख्या है लेकिन उस कैटेगरी पर 3 कैटेगरी बनाया गया, इसमें सबको शामिल किया गया। बारूद संबंधित बहुत सारे कारखाने आ जाते हैं, पेट्रोल संबंधित बहुत सारे कारखाने आते हैं, खनन संबंधित बहुत सारी चीज आ जाते हैं और इसके अंतर्गत इसमें बच्चों को शामिल नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन है, भारत में लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या है? 21 वर्ष से 18 वर्ष, 18 वर्ष से 21 वर्ष, 18 वर्ष और 18 वर्ष, 21 वर्ष और 24 वर्ष। सही आंसर आपको जो लगाना होगा इसके आधार पर, क्योंकि दोनों ओवरलैपिंग करेंगे, 21 वर्ष 18 वर्ष, 18 वर्ष 21 वर्ष, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा पहले लड़का बोला है तो लड़का होगा 21 साल, फिर लड़की बोली है तो लड़की होगी 18 वर्ष, मतलब यही आंसर आएगा 21 वर्ष और 18 वर्ष। आपको ये भी आंसर सही नजर आएगा लेकिन ये इसके आधार पर हमको देखना पड़ेगा, लड़के और लड़कियों के आधार पर। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006, 2008, 2011 या 1997, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, 2006 को। यद्यपि ये 2006 1929 को प्रतिस्थापित करके यहां पर पारित किया गया था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अपराध का संज्ञान लिया जाएगा, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, महानगर मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय या ए या बी में से कोई एक? सही आंसर डी आएगा, या तो मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी या महानगर मजिस्ट्रेट, दोनों संज्ञान ले सकते हैं। यदि विवाह के पूर्व दहेज लिया गया है तो दहेज कब लौटाया जाएगा? विवाह के दिन, विवाह के 3 माह के भीतर, दहेज लेने की तारीख से 3 माह के भीतर, पता चलने की तारीख से 3 माह के भीतर। कंडिका में कहा गया विवाह के 3 माह के भीतर आपको लौटाना होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब पारित हुआ था? 20 मई 1961, 20 जून 1961, 1 जुलाई 1961 या 20 जुलाई 1961? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सही आंसर ए आएगा, 20 मई 1961 को।
दहेज शब्द को परिभाषित किस धारा में किया गया है? धारा 3, धारा 2, धारा 4, धारा 4 का सही आंसर बी आएगा, धारा 2। वैसे एक छोटा सा सूत्र बताऊं कि जो भी आपका जो धारा संबंधित है या विधि का पुस्तक है उसमें धारा 2 में हर पुस्तक में परिभाषा दी गई है। अगर आपको नहीं भी मालूम और तुक्का मारना चाहते हो तो धारा 2 में लगाना, क्योंकि धारा 2 परिभाषा से संबंधित होता है। क्वेश्चंस है, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 को संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कब लागू किया गया? 30 सितंबर 2005, 26 सितंबर 2005, 13 सितंबर 2005, 1 सितंबर 2005। ये अक्सर पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं कब लागू किया गया, तो ए वाला आंसर 30 सितंबर 2005। याद करने का वही तरीका कि भाई एक टोनही पोल का प्रताड़ना और सितम उस पर मत करो, और सितम मत करो, तो सितंबर तो आपको याद हो जाएगा, 2005 याद होना चाहिए, 30 सितंबर 2005। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी को टोनही कहकर उसे प्रताड़ित करता है तो उसे कितने वर्ष का कारावास हो सकता है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष? सही आंसर आएगा सी, प्रताड़ना करने पर 5 वर्ष का कारावास है, पहचान करने पर 3 वर्ष का कारावास है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ था? 12 अगस्त 2005, 12 जुलाई 2005, 13 मई 2005, 13 सितंबर 2005। यहाँ भी सितंबर से याद करना भाई, महिलाओं पर हिंसा मत करो, उस पर सितम तो करो, यहाँ पर तो सितम माने यहाँ पर सितंबर, उसका 30 सितंबर, इसका 13 सितंबर, तो याद रखना डी आंसर इसका, घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 13 सितंबर, ऐसे करके याद कर लेना। क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 14-21, अनुच्छेद 14-15-21, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 14? सही आंसर बी आएगा, अनुच्छेद 14, 15 और 21। ठीक है, अनुक्षेद 14 विधि के समक्ष सब समानता रखेंगे, अनुच्छेद 15 धर्म, लिंग, आयु, वंश, जाति, इसके आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, और अनुच्छेद 21 जीने की स्वतंत्रता, जीने के स्वतंत्रता का सब कुछ आ जाते हैं, मतलब घरेलू हिंसा महिलाओं का संरक्षण 14, 15, 21 तीनों के तहत ये आएगी। क्वेश्चंस है, किशोर न्याय बालक की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत किशोर से अभिप्राय है 16 वर्ष से कम आयु बालक, 18 वर्ष से कम आयु बालक, 16 से 18 वर्ष के बीच का बालक उपयुक्त सभी? सही आंसर भी आएगा, 18 वर्ष से कम आयु का बालक। किशोर न्याय बोर्ड का गठन कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय? सही आंसर भी आएगा, राज्य सरकार। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, किशोर न्याय बालक की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाला बालक से ऐसा बालक अभिप्रीत है जो श्रम विधियों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, जो भिक्षावृत्ति करते हुए पाया जाता है, जो आवारा पाया जाता है, उपयुक्त सभी? सही आंसर डी आएगा, उपर्युक्त सभी। छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को दूर करने के लिए राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 24 मार्च 2001, 24 फरवरी 2001, 24 अप्रैल 2001 या 24 अगस्त 2001? सही आंसर ए आएगा, 24-3 2001 को, माने जनवरी फरवरी मार्च को इसका गठन किया गया था। क्वेश्चंस है आपके सामने, इनमें से कौन सा काम राज्य महिला आयोग द्वारा नहीं किया जाता है? महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायतें सुनना, महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास, महिला उत्पीड़न के दोषी को दंडित करना? ये ही नहीं करेगा, क्योंकि न्यायालय का काम है, न कि किसी आयोग का, दंडित नहीं कर सकता।
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के सदस्य कितने आयु तक पद धारण कर सकते हैं? 60 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु या 70 वर्ष की आयु? सही आंसर सी आएगा, 65 वर्ष की आयु। इनका कार्यकाल 3 वर्ष है या 65 साल, जो भी आप पहले हो जाए, या 3 साल कंप्लीट हो जाए या 65 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जाए। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।